हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा। आई एम डॉक्टर नीलम पांडे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को मेनली रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। रियलिस्ट अप्रोच के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। यानी बैलेंस ऑफ पावर के तीन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हैं। यानी बैलेंस ऑफ पावर को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, सेकंड है एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन एंड थर्ड है प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन को समझेंगे। डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग स्टेट्स इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर एक ही टाइम पीरियड पर कंट्रीज का जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है। यानी हम एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड को ही लेकर चलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोल्ड वार के पार्टिकुलर टाइम पीरियड को लेते हैं और इस टाइम पीरियड में इंटरनेशनल सिस्टम में कंट्रीज के बीच पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसे ही हम बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। तो कोल्ड वार के टाइम, दैट मीन्स 1945 टू 1989 को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम देखेंगे कि इस वक्त पावर दो कंट्रीज के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था। जब भी हम पावर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन अ पार्टिकुलर सिस्टम इज टू नोट द नंबर ऑफ ग्रेट पावर्स आर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स। जब भी हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम यूज करते हैं। पहला है मल्टीपोलर सिस्टम, दूसरा है बायोपोलर सिस्टम एंड तीसरा है यूनिपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर सिस्टम एक ऐसी कंडीशन है जहां पावर तीन या तीन से अधिक कंट्रीज में वितरित रहती है। यानी मल्टीपोलर सिस्टम के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड में तीन या तीन से ज्यादा ही कंट्रीज के हाथों में पावर रहती है। तो इन तीन या तीन से अधिक जो कंट्रीज है यही ग्रेट पावर कहलाएगी या मेजर पावर कहलाएगी या सुपर पावर कहलाएगी। दूसरा है बायोपोलर सिस्टम। तो इस तरह के इंटरनेशनल सिस्टम में पावर दो पावरफुल कंट्रीज के हाथ में रहती है और यही दो जो कंट्री होगी ये सुपर पावर या ग्रेट पावर होगी। जैसे कोल्ड वार का फिर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो कोल्ड वार के टाइम में हम देखते हैं कि दो बड़ी शक्तियां विश्व में उभर कर आईं, अमेरिका और सोवियत संघ। यहां पावर एक कंट्री में तो यहां पावर दो कंट्रीज में, जो हम लोग कोल्ड वार के एग्जांपल से समझे कि शीत युद्ध के बाद हमने देखा, हम लोग आगे हमारा लगता है कि थर्ड यूनिट में या फोर्थ यूनिट में कोल्ड वार ही है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे
कि किस तरीके से पूरे विश्व में दो बड़ी शक्तियां महाशक्तियों के रूप में उभरी थी और किस तरीके से दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। थर्ड है हमारा यूनिपोलर सिस्टम, इसमें क्या है, तो यहाँ पावर एक कंट्री में कंसोलिडेट होगा। इस सिस्टम के अंतर्गत पूरे विश्व में पावर एक ही कंट्री के हाथों में केंद्रित रहता है, यानी सिंगल कंट्री का डोमिनेंस होगा। यानी कोल्ड वार के बाद जो पीरियड शुरू हुआ वहाँ हमें यूएसए का सिंगल डोमिनेंस देखने को मिलता है। हम थर्ड यूनिट में जब कोल्ड वार को पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि फिर जब दो शक्तियाँ उभर कर आईं विश्व में, शक्तिशाली शक्तियाँ, और फिर उसके बाद कोल्ड वार जब ख़त्म होता है, कोल्ड वार के बाद किस तरीके से यूएसए एक सिंगल डोमिनेंस स्टेट के रूप में उभर करके आया। तो इसलिए इस पीरियड को यूनिपोलर भी कहा जाता है। या हम आज के ही संदर्भ में देखें, आज की स्थिति में देखें, तो आज भी हम इस पीरियड को यूनिपोलर पीरियड कह सकते हैं। लेकिन आज यूनिपोलर के अलावा मल्टीपोलर गर्म सिस्टम इसको कहें, पीरियड कहें, तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि आज यूएसए के अतिरिक्त कई और भी कंट्रीज हैं जो पावरफुल हैं। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन के जरिए बैलेंस ऑफ पावर को हम लोगों ने समझा। दूसरा है हमारा एक्सप्लेनेटरी डायमेंशन। अ कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन फीचर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इंटरनेशनल सिस्टम के फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टेबिलिटी है तो क्यों है, वार का सिचुएशन है तो क्यों है। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन जो है, जो कुछ ही थिंकर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि क्या कंडीशन है इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस ऑफ पावर का, उसके फीचर्स को कुछ ही स्कॉलरों ने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। और ये रियलिज्म के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट आता है। जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं वो इस इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर का यूज करते हैं। स्कॉलर्स लाइक केनेथ वाल्ट्ज हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बैलेंस ऑफ पावर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। केनेथ वाल्ट्ज कहते हैं, केनेथ वाल्ट्ज एक रियलिस्ट थिंकर्स हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस ऑफ पावर और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के बीच एक सीधा संबंध है। वाल्ट आर्ग्यूड दैट व्हेन द पावर ऑफ द की स्टेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज बैलेंस्ड देन इंटरनेशनल सिस्टम विल बी स्टेबल। केनेथ वाल्ट्ज कहते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज मौजूद हैं उनके पावर यदि बैलेंस्ड होंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबल होगा। इंटरनेशनल सिस्टम जब स्टेबल होगा तो कोई वार नहीं होगा। और जैसे ही पावर इन इम्पॉर्टेंट कंट्रीज का डिसबैलेंस्ड हो जाएगा तो वार की संभावना बढ़ जाएगी। तो विनेट वाल्ट्ज कहते हैं कि कोल्ड वार के समय, या इसका हम उदाहरण भी इस तरीके से देख सकते हैं कि कोल्ड वार जब दोनों पावरफुल कंट्रीज के बीच में था तो लेकिन कोई वार नहीं हुआ दोनों के बीच में, ये एक कोल्ड वार बनकर के ही रह गया, हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच पावर बैलेंस था,
यानी जितना पावरफुल यूएसए था उतना ही पावरफुल यूएसएसआर भी था। प्रिस्क्रिप्टिव डायमेंशन, द कॉन्सेप्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ गाइड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन स्टेट। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट एक कंट्री के लिए गाइड का काम कर सकता है फॉरेन पॉलिसी बनाने में। बैलेंस ऑफ पावर अगर हम कहें तो बैलेंस ऑफ पावर को फिर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि एक कंट्री जो है हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पावरफुल बन करके रहे और सामने वाले स्टेट्स के साथ वो के सामने वो किसी भी मायने में कमजोर ना पड़े। देयर इज अ नीड टू फॉर स्टेट्स टू बैलेंस द पावर ऑफ दोज हु माइट थ्रेटन देम। अब जो एक कंट्री है वो हमेशा अपने इनमिज कंट्रीज के बीच बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहता है। यदि एक कंट्री का पावर अधिक हो जाएगा और उसके इनमिज कंट्री का पावर कम हो जाएगा तो वो कोशिश करता है कि वो अपना पावर उसके बराबर मेंटेन करे। टू बैलेंस द पावर ऑफ अनदर इज टू जेनरेट इक्वल और ग्रेटर पावर। हो कोशिश करता है कि उसका पावर उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो। रेशनल फॉर दिस पॉलिसी एडवाइस, बाय बैलेंसिंग द पावर ऑफ अदर्स वन कैन बी श्योर ऑफ बीइंग एबल टू डिटरमाइन और डिफीट एनी थ्रेट। अगर क्योंकि एक कंट्री ये जानता है कि पावर अगर बैलेंस होगा तो वार की संभावना कम रहेगी, थ्रीट की संभावना कम रहेगी, वार की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, तो इसलिए एक कंट्री हमेशा अपने इनमें कंट्री के बीच में पावर डिफरेंसेस को मिनिमम रखना चाहता है। जैसे हम भारत और पाकिस्तान का एग्जांपल ले तो हम देखते हैं कि जब इंडिया 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है और न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत पावर ऑफ, तो इस तरीके से भारत का पावर ऑफ बैलेंस जो है इंडिया का वो ज़्यादा हो जाता है पाकिस्तान की बनिस्बत। तो जैसे ही इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया, पाकिस्तान ने भी तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट किया और अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर इसने किया, यानी कि पाकिस्तान भी भारत की बराबरी पर अब आ गया, क्योंकि अब न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत उससे सुपर तो अब डर हो गया कि कभी भी हम पर अटैक कर सकता है या हमसे ये पावरफुल हो गया और दोनों हम एक दूसरे इनमें तो हैं। तो इस तरीके से वो भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट को करके वो बैलेंस उसने मेंटेन किया पाकिस्तान ने, ताकि युद्ध की संभावना कम हो। तो इस तरीके से इन तीन डायमेंशन के जरिए हम लोगों ने पावर ऑफ बैलेंस को समझा। एंड स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।